लेखपाल कट ऑफ मार्क्स मेल और फीमेल। पहले तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे क्यों? आप लोग ये सोच पा रहे होंगे मैं क्यों देखूं ये वीडियो, इसका क्या प्रूफ है कि यही कट ऑफ जाए, इसका क्या सच्चाई है कि यही कट ऑफ जाए। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो डेफिनेटली आप सभी लोगों को यहाँ पे विद प्रूफ भी पता लग जाएगा कि ये कट ऑफ मैंने किस तरह से आप लोगों की तैयार की गई है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यही है और यही आप लोगों के सामने सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना, फीमेल और मेल की मैंने दोनों कट ऑफ तैयार कर लिए हैं। तो फीमेल और मेल के अंदर से पहले किसकी बताऊं, बताओ आप लोग किसकी बताऊं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फीमेल की बता देता हूं क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है ना। तो फीमेल की कट ऑफ आप लोग देखिए यहाँ पे, जनरल की आप लोगों को फीमेल की यहाँ पे देखने को मिलेगी 76 से 78 के बीच में। और ये जो 76 से 78 के बीच में जो कट ऑफ बताई है इसके अंदर यदि आप लोगों के -1 भी हो रहा है या -2 भी हो रहा है या -3 नहीं होना चाहिए, -1 भी हो रहा है -2 भी हो रहा है तब भी चलेगा, तब भी आप लाइन में हो, तब भी आप लोग यूपी लेखपाल बनने का यानी कि लेखपाल पद आप लोगों को मिल सकता है। तो कट ऑफ इस तरह से रहने वाली है। तो जनरल को जनरल के अंदर 76 से 78 के बीच में फीमेल की, और ओबीसी की यहाँ पे आप लोगों को 73 से 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 75 से 77 के बीच में, एससी की यहाँ पे आप लोगों को 68 से 72 के बीच में, एसटी की यहाँ पे आप लोगों को 63 से 65 के बीच में। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये फीमेल के अंदर बताइए, फीमेल ग्रुप के अंदर ये कट ऑफ रहने वाली है। इस कट ऑफ के अंदर आप लोगों को क्या करना है, या तो प्लस या तो आप लोग -1 कर सकते हो या -2 कर सकते हो, पर -3 नहीं हो सकता। अगर यदि आप लोगों का ये मैंने नंबर बताया और -3 हो रहा है इस कैटेगरी के अंदर, तो आप लोग समझ जाओ आप कट ऑफ मार्क्स से बाहर हो, आप लोगों का सिलेक्शन होना मतलब चांस नहीं है, मतलब ये है कि आप लोगों का। अगर ये कट ऑफ के इर्द गिर्द आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों का चांस है सिलेक्शन होने का। सच सच होता है, इसे छुपाया ना जा सके क्योंकि सच को एक दिन निकलने ही आता होता है, यानी कि सच कभी भी छिप नहीं सकता, वो बाहर ही निकल के आता है। यदि मेल की बात करें हम लोग, मेल के अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे जनरल के अंदर 79 से 82 के बीच में, क्योंकि ये कट ऑफ का जो उतार चढ़ाव आप लोग देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये उतार चढ़ाव इसलिए है 79 से 82 के बीच में क्योंकि आप लोगों को पता होगा पेपर के अंदर कुछ तो वो हो जाए जिससे आप समझ पा रहे हो धांधली हुई है, मतलब कहने का मतलब है। तो उससे क्या हुआ है, कुछ बच्चों के पेपर आ जाने की वजह से, अब ये तो कन्फर्म नहीं कह सकते कि पेपर के अंदर पूर्णतः धांधली हुई है क्या हुई है, पर ऐसा चल रहा है मार्केट के अंदर। यदि पेपर के अंदर धांधली होती है, इस तरह का चीज़ें देखी गई है, लोगों ने टिपाई की है या कुछ भी किया हो, कैसे भी किया हो, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है मेल कैंडिडेट की, क्योंकि अगर ये फेयरली एग्जाम कंडक्ट हुआ होता तो मेल की कट ऑफ यहाँ से थोड़ी बहुत गिर जाएगी, क्योंकि पेपर आप लोगों को इजी लग रहा है देखने में, पर सच्ची देखा जाए पेपर को चारों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को वहाँ पे पेपर आप लोगों का यूपी लेखपाल का यदि आप लोग अपना पेपर देखो तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पेपर का स्तर है ना वो इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट से हार्ड की तरफ है आप लोगों का पेपर का स्तर। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जनरल की तो 79 से 82 के बीच में, मेल की रहने वाली है ओबीसी की यहाँ पे 77 से 79 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 78 से 80 के बीच में, एससी की यहाँ पे 73 से 75 के बीच में, और एसटी की यहाँ पे 67 से 69 के बीच में, और फ्रीडम फाइटर जो कि बहुत सारे कमेंट आते थे कि फ्रीडम फाइटर की बता दो, और डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन यानी कि विकलांग लोग हैं उनकी कट ऑफ किया जाती है, तो फ्रीडम फाइटर की तो यहाँ पे 60 से 62 और डिसेबिलिटी की 57 से 59 के बीच में। और फ्रीडम फाइटर और डिसेबिलिटी के बारे में मैं यहाँ पे उनको बोलना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी कट ऑफ 60 से 62 के बीच में रहेगी, आप लोगों को यहाँ पे -3 भी और -4 भी देखने को मिल सकता है फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ। एक्चुअली ये कट ऑफ का थोड़ा सा पता लगाना मतलब थोड़ा टेढ़ा खीर होता है इसके अंदर, तो इनकी कट ऑफ पता लगाई जा सकती है क्योंकि इनका यहाँ पे कई सारे थॉट, यहाँ पे कई सारे आप लोगों को कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ पता लगाई जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है फीमेल और मेल की, ये मैंने आप लोगों ने वीडियो देखा तो ऐसे ही नहीं बताई मैंने आप लोगों को, ये मैंने थोड़ा बहुत कुछ आकलन करके बताइए, और वो आकलन करके आप लोग यहाँ पे देखो। अब आप लोग यहाँ पे देखो, कोई भी होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होता है, एक इंटेलिजेंट वाला स्टूडेंट होता है। अब नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर आप लोग अपनी देखो आंखों से, तो हिंदी के अंदर 20 से 21 तो वो भी कर देगा,
और मैथ के अंदर 18 से 19 तो वो भी कर देगा नॉर्मल वाला, जीएस वाला 16 से 17 कर देगा, क्योंकि जीएस सबों की सच्ची नहीं होती, जिनकी जीएस अच्छी होती है उनकी मैथ अच्छी नहीं होती, और जिनकी मैथ अच्छी होती है वो जीएस अच्छी नहीं होती। पर ये हर किसी नहीं है कि जिनकी मैथ अच्छी है तो उनकी जीएस अच्छी नहीं होगी, कुछ कुछ रेयर केस में ये ऐसा भी होता है कि दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट उनकी सरल होती है, पर बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे, 100 में से 2-3 ही बच्चे निकलेंगे, वरना सबकी ऐसी होती है। ग्रामीण परिवेश के अंदर तो आप लोग जानते हो, ग्रामीण परिवेश के अंदर आप लोग देखना चाहोगे तो ग्रामीण परिवेश के अंदर यहाँ पे जो आप लोगों को ग्रामीण परिवेश के अंदर ये कट ऑफ जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कट ऑफ जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, अब ये कट ऑफ के साथ में आप लोग ग्रामीण परिवेश में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ग्रामीण परिवेश में आप लोगों को 14 से 16 जो भी बच्चा होगा नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर 14 से 16 कर पाएगा वो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर आप लोगों को पता है किस तरह की योजनाएं आ गई, योजनाबद्ध जो भी आप लोगों की योजना हुई है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल स्टूडेंट और इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट का अगर हम यहाँ पे एवरेज स्कोर भी निकाले तो नॉर्मल वाला स्टूडेंट 20 18 16 ये भी 14 भी अटेम्प्ट करे तो 68 आएगा, और यहाँ पे आप लोगों का 21 19 17 और 16 भी अटेम्प्ट करे तो 73 आएगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट के ऐसे ही नंबर है यहाँ पे। अब ऐसे ही मोस्टली स्टूडेंट के नंबर हैं तो कट ऑफ इन्हीं को ही देख के डिसाइड होगी। अब 100 बच्चों में से एक बच्चे को थोड़ी होगा, यहाँ पे से 99 बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाएगा ना, तो मोस्टली स्टूडेंट के कट ऑफ इसी तरह के नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंट वाले स्टूडेंट की बात करें जो कि 100 में से 10-5 ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं हिंदी के अंदर से 24-25 पूरे कर देते हैं, 22-23 कर देते हैं, 25-25 कर देते हैं, यहाँ तक भी। अगर आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी देखें यहाँ पे तो 84 कर सकता है, अगर इससे भी ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है तो 89 कर सकता है, क्यों, 20, 21, 23, 25 चारों सब्जेक्ट में ये अटेम्प्ट करके कर सकता है, तो 84 तो ये स्कोर, 89 तो 89 वाले तो बच्चे एक दो ही नहीं होंगे, मतलब बहुत कम निकलेंगे ऐसे, और 84 वाले बच्चे कितने होंगे, बहुत ही कम होंगे तो 84 से तो कट ऑफ नीचे आनी है। और ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, अब देखो मेल की मैंने बताई और फीमेल की बताई, 79 से 82 के बीच में, 79 के बीच में, 78 से 80 के बीच में, 73 से, ये जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कट ऑफ बताई है, ये उसे मेल खा रही है नहीं खा रही है, आप लोग बताओ, खुद ही बताओ, मेल इसलिए खा रही है क्योंकि ऐसे ही लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, आप लोगों का पेपर इसी लेवल का है, तो कट ऑफ की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को इस तरह की कट ऑफ देखने को मिले, और आप लोग यूपी लेखपाल के अंदर जो 8085 पद है उसके अंदर से आप लोगों को एक पद मिले। और ये मैं सच बता रहा हूँ कि 2015 के बाद में जब ये वैकेंसी आई है ना, तो लगभग 6 से 7 साल में ये वैकेंसी आई है, तो ये लेना भी उतना ही जरूरी है, और लेना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए कट ऑफ फाइट भी करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी तो आप लोग ये जॉब ले पाएगा। और ये जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई है, ये डीवी के कट ऑफ है, जो फाइनल में बच्चे जाएंगे उसी कट ऑफ लगाएगी, पर डीवी की जो कट ऑफ रहने वाली है इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट भी बताया, प्लस माइनस 2 मार्क्स करके ये अंतर यहाँ पे आएगा आप लोगों को, यहाँ पे ये इनकी नहीं घेरा मैं, फाइटर और डिसेबिलिटी नहीं घेरा आप लोगों को, यहाँ पे यदि -3 हो रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग गड्ढे में, आप लोगों का आना सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम है, इतनी भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्योंकि ये 2022 चल रहा है और मेंस के अंदर वही बच्चे बैठे हैं जिनका प्री क्लियर हुआ है, तो क्वालिटी वाले स्टूडेंट है, ऐसे वैसे नहीं है कि आप लोगों का इसके अंदर मतलब ऐसे बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, और भी कुछ ऐसी जानकारी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं अपने आपको, यहाँ पे क्या करते हैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर की जो कट ऑफ है ना, प्रीवियस ईयर पेपर की कट ऑफ को यहाँ पे है ना कंपेयर करके देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में यूपी लेखपाल परीक्षा की 2022 को लेके, और आप लोगों की 2015 की कट ऑफ और 2022 की कट ऑफ, दोनों में दिन रात का अंतर है, आप लोग कहीं भी 2015 की कट ऑफ देखे आप लोगों को कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते इसके अंदर। और वो कैसे, आप लोग कुछ सोचो, 2015 के अंदर जब 13,600 पोस्ट आई, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज हुई है 13,500 से 8,085 होगी, और अभी ही रिसेंटली न्यूज की पेपर कटिंग वायरल हुई है जो जिसके अंदर 5,000 के समथिंग आप लोगों की कट ऑफ बताया, 5,000 के समथिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही है, और आने वाले 2024 और 2025 के अंदर तो और भी कम हो जाएगी, और क्या पता निकले नहीं निकले क्या, और कुछ सरकार चेंज ला दे, तो जॉब लेना कितनी रिक्वायरमेंट हमारे लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2015 के अंदर जो पेपर कराया गया था राजस्व विभाग के द्वारा कराया गया था, और 8085 के पद का जो अभी कराया है यूपी SSSC के द्वारा कराया गया है, तो राजस्व विभाग के द्वारा 2015 के अंदर पेपर कराया गया है, तो पैटर्न उस समय अलग था, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ था यार, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ था, और उस समय कट ऑफ भी कैसे क्या था, इसके अंदर 80 तो मार्क्स आपके पेपर के थे और 20 इंटरव्यू थे, अब 20 इंटरव्यू के थे तो यहाँ पे थे 2022 के अंदर तो इंटरव्यू ही खत्म है, 80 प्लस मार्क्स छोड़ो यहाँ पे तो सोका हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी आप लोगों की 2015 के अंदर, तो यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की,
तो उसको भी तो कट ऑफ को रख के ध्यान रख के दिया जाएगा क्या? नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे डिक्लाइन कर देंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोग यहाँ पे देखो, तो हम कहते भी आप लोग 2015 की कट ऑफ देखो तो जनरल की 52, ओबीसी की 50 और एससी की 45, एससी की एसटी की यहाँ पे 40, तो इसको तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते यहाँ पे, ये कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते 2015 की, क्योंकि 6 से 7 साल के अंदर आप लोग देखो कितना बदल चुके हैं आप लोग, तो कट ऑफ भी तो स्वाभाविक है, कट ऑफ भी बदलना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको 2015 से कट ऑफ को कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को कंपेयर, जो कट ऑफ अभी भी मैंने आप लोगों को बताइए ऐसी ही रहेगी, एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत माना एक दो नंबर का अंतर तो आएगा, पर एटलीस्ट कट ऑफ यही रहने वाली है। तो 2022 के अंदर लेखपाल को परीक्षा का पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो मैं ये आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अब अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो कट ऑफ बताइए आप लोग, ये प्योर कट ऑफ है, आप लोग इसको ऐसे हल्के में ना ले कट ऑफ। तो यदि आप लोगों के इसके इर्द गिर्द नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को लेखपाल की जो 8085 पद में से है एक पद मिल जाएगा, और आप लोगों को फाइनल डीवी के अंदर जो कट ऑफ रहेगी थोड़ी सी इंक्रीज होगी और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी इसके अंदर। तो ये था जो कट ऑफ का वीडियो मुझे आप लोगों को बताना था। थैंक्स कीप आई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का ही वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, तो इस चैनल को अब तक क्या कर रहे हो आप लोग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़।